दोनों हाथों से दोनों पाओं के अंगूठे पकड़िए, राइट लेग देखिए स्ट्रेट कीजिए, राइट लेग पकड़ के लेफ्ट लेग भी आप स्ट्रेट कीजिए, दोनों लेग्स वाइड, गिरना नहीं, थोड़ा हौसले से लेग्स बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएं, वाइड और वाइड और वाइड, फेस अप, बॉडी स्टिल, स्लोली वापस अपनी जगह पे आएंगे। ओह गुड, आपने अपना बैलेंस बरकरार रखा, वेल डन, गुड जी। फिर एक बार बटरफ्लाई, एक सनसनाहट सी आ जाएगी जिस्म के अंदर और आपकी रीढ़ की हड्डी के अंदर, एक सनसनाहट पैदा कर देता है ये पोस्चर। ये पोस्चर जो अभी आपने किया, ये हमारे सारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बेहतर करता है। और मैं आपको बता दूं, जो एक्सरसाइजेज आप कर रहे हैं, 100 साल की एज के अंदर भी आप अपने आप को तरोताजा पाएंगे, फ्रेश पाएंगे। बुढ़ापा, याद रखिए, बुढ़ापे का ताल्लुक उम्र के साथ बिल्कुल नहीं है। हम 100 साल में भी तरोताजा, हेल्दी, फ्रेश और यंग रह सकते हैं। ओके, फिर एक बार द सेम एक्सरसाइज फिर करनी है। ये बहुत ही आला एक्सरसाइज है। देखिए, राइट लेग को पहले ले लें, राइट साइड पे, अब लेफ्ट लेग को ले लें। अब दोनों लेग्स को आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल स्ट्रेट करें, आपके नीज बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए, पूरा वजन आपके हिप्स पर है, फेस अप करें, पाँव और वाइड, फेस अप करें और लेग्स और बाहर जाएं, घुटने स्ट्रेट करें, घुटने बिल्कुल स्ट्रेट कर दें, फेस अप, वेल डन, एंड वापस स्लोली, वापस स्लोली वापस आएंगे, स्लोली वापस आएंगे, वंस अगेन नीचे ले जाएं, वेल डन। बहुत अच्छा पोस्चर हुआ, बहुत जबरदस्त। और ओके जी, आप अब नेक्स्ट करेंगे, ये देखिए मैट के अगले हिस्से पे आए, और लेटना है पीछे की तरफ, ये देखिए थाइस आपकी पूरी स्ट्रेच हो जाए, पेट पूरा स्ट्रेच हो जाए, दोनों हाथ ले जाइए पीछे, इसमें 2 मिनट तक लेटे रहेंगे। ये वो पोस्चर है जो हमारी थकावट को दूर करता है, जिस्मानी दर्दों को दूर करता है, नींद को बेहतर करता है। जो बंदा डेली ये पोस्चर करे, उसकी नींद कभी डिस्टर्ब नहीं होगी, उसके जिस्म में पेन नहीं होगा, उसका पेट नहीं बढ़ेगा। देखिए अभी पेट पे स्ट्रेच आ रही है, थाइस पे ज्यादा स्ट्रेच आ रही है, और हाथ पीछे स्ट्रेच कीजिए, पीछे जोर लगाइए हाथों को, और ओह वापस, ये देखिए जी हाथ ऐसे लेकर आएंगे आराम के साथ, और अपने दोनों हाथ अपनी दोनों पिंडलियों के नीचे, ये पिंडलियों के नीचे जहां पे आपके टखने हैं इनसे थोड़ा ऊपर, और ये देखिए एल्बोज पे यहां पे आते हैं, एल्बोज पे वजन डाले और थोड़ा ऊपर आ जाए, अब सर को पीछे ले जाए, दरमियान में तो बॉडी सारी ऊपर है, एल्बोज पर वजन है, पीछे सर पे वजन है, ओह सर पीछे लगा दें। अब आपने दरमियान में से कोशिश करनी है उठने की, आगे वजन घुटनों पे चला जाएगा, ये देखिए उठिए, पिंडलियों को पकड़ के रखा है हमने, सर पीछे लगाइए, अब यहां से सीधे ऊपर उठ के आ जाएंगे, आराम से ऊपर उठ के आ जाएंगे, यस, ओह